ऐसा है कि गुजरात ने भारत का गौरव बढ़ाया है और इस बार फिर गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को और डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद मिलेगा और पहले से ज्यादा मिलेगा। जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि लगातार यहाँ पर विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि खुद गुजरात से हैं और हर छोटे से छोटे विकास कार्य को उन्होंने एंड तक पहुँचाया है। एक जमाना था गुजरात में नारियल फूटता था, केवल शिलालेख लिखे जाते थे, कार्यक्रम खत्म ही नहीं होते थे। जब से मोदी जी ने गुजरात समेटा तब से लेकर आज तक समय पर विकास के कार्य संपन्न हुए हैं और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 2014 से जो काम केंद्र में रुके हुए थे वो भी आज कंप्लीट हुए हैं और पूरे भारत के भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि गुजरात एक ऐसा मॉडल है जिसको जो आज पूरे भारत में लागू हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रतिद्वंद्वी होते हैं लेकिन शत्रु नहीं होते। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन जिस तरह और जिस तरह की भाषा का प्रयोग पिछले दिनों हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लिए या उनके परिवार के लिए, ये दुखद भी है और लोकतंत्र के लिए घातक भी है। भारत विश्व का बहुत पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र, अगर मैं कहूँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड की जो है वो भारत है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार अपनी सामने दिखती हुई हार को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है, वो चुनाव तो हारे ही हारे हैं, लोगों का दिल भी हार चुके हैं। कितने बड़े हीरो हैं वो गुजरात के अंदर जनता जानती है। ये एक फोबिया आम आदमी पार्टी हर बार खड़ा करती है। जब गोवा का, उत्तराखंड का, यूपी का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनकी सरकार आ ली इसलिए उसमें दबाव बनाया जा रहा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित किए लेकिन परिणाम आपके सामने है। गोवा जहां वो अपनी मंत्रिमंडल तक की घोषणा कर चुके थे उनके मुख्यमंत्री से लेकर हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड उनके मुख्यमंत्री से लेकर कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। यूपी उनके सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। यहाँ भी जो उत्तराखंड में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो गोवा में हुआ वो यहाँ भी होने वाला है। गुजरात की जनता बहुत समझदार है और गुजरात की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी केवल अर्बन नक्सल्स का टोला है। सनसनी फैलाना, चीज़ों को बड़ा करके लोगों के सामने रखना और प्रैक्टिकल और ज़मीन पर उसका कोई आधार नहीं होता। इसलिए गुजरात की जनता जो उन्होंने पिछले दिनों में कहा है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, गुजरात की जनता उसका जवाब भी देगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद भी देगी।